हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी पर्सनालिटी की बात करेंगे जिन्होंने शूटिंग जगत में एक खास मुकाम कमाया। उन्होंने निशानेबाजी में 30 से ज्यादा मेडल जीते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शूटर दादी चंद्रो तोमर की। आइए बात करते हैं दादी चंद्रो तोमर के जन्म के बारे में। शूटर दादी चंद्रो तोमर का जन्म 1 जनवरी 1932 को शामली के गाँव मखमूलपुर में हुआ था। 16 साल की उम्र में जोहड़ी के किसान भंवर सिंह से उनकी शादी हो गई। शूटर दादी चंद्रो का पूरा नाम चंद्रो तोमर था, जो कि यूपी के बागपत जिले में गांव जोहड़ी की रहने वाली थी। 6 बच्चों और 15 पोते पोते वाली ये दादी रिवॉल्वर चलाने में माहिर है। आइए बात करते हैं दादी चंद्रो तोमर के मेडल के बारे में। 90 साल की सबसे वयोवृद्ध शूटर दादी चंद्रो तोमर ने निशानेबाजी में 30 से ज्यादा मेडल जीते थे, जिनमें नेशनल और राज्य स्तर की प्रतियोगिता जीतकर उन्होंने गोल्ड सिल्वर पदक हासिल कर बागपत और यूपी का नाम रोशन किया था। दादी चंद्रो तोमर की निशानेबाजी की प्रैक्टिस की शुरुआत। पहली बार चंद्रो ने निशानेबाजी की प्रैक्टिस 65 साल की उम्र में शुरू की थी। उन्होंने ये साबित किया कि कुछ नया करने के लिए उम्र नहीं देखी जाती। दरअसल साल 2001 में चंद्रो अपनी पोती को गांव की ही शूटिंग रेंज में शूटिंग सिखाने जाती थी। एक दिन पोती ने कहा कि दादी आप भी निशाना लगाकर देखो। चंद्रो ने 2-3 निशाने एकदम सही लगाए। जब राइफल क्लब के कोच ने दादी को यूं शूटिंग करते देखा तो वो दंग रह गए। इसके बाद उन्होंने शूटर दादी को शूटर बनने की ट्रेनिंग दी। सटीक निशाने लगाने के बाद दादी ने निशानेबाजी में ध्यान देना शुरू किया। देखते ही देखते उन्होंने कई प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया, साथ ही कई पदक भी जीते। इस बीच शूटर दादी को समाज के कई ताने भी सुनने पड़े। गांव वाले उनका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि बुढ़िया इस उम्र में कारगिल जाएगी क्या, लेकिन उन्होंने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। आज सारी दुनिया उनके इस फैसले का नतीजा देख रही है। उनका लक्ष्य हमेशा शूटिंग ही रहा है। वो 25 मीटर तक का निशाना लगा चुकी हैं। 2019 में शूटर दादी पर बनी थी फिल्म। शूटर दादी चंद्रा तोमर और प्रकाशी तोमर के जीवन पर 2019 में पिक्चर बनी थी। फिल्म के निर्माता अनुराग कश्यप ने दादियों के जीवन पर सांड की आंख नाम से पिक्चर बनाई थी। इस फिल्म में तापसी पन्नू और भूमि पेडनेकर मुख्य भूमिका में हैं। ये शार्प शूटर चंद्रो और प्रकाशी तोमर के जीवन पर आधारित है। फिल्म की शूटिंग बागपत में 10 फरवरी 2019 को शुरू हुई थी। कुछ हिस्सों को हस्तिनापुर और मवाना में भी फिल्माया गया है। अक्टूबर 2019 में फिल्म सिनेमाघरों में लग गई थी। इसे लोगों ने काफी पसंद भी किया। मृत्यु। इंटरनेशनल शूटर दादी चंद्रो तोमर का कोरोना के कारण 30 अप्रैल 2021 को निधन हो गया है। उन्होंने मेरठ के आनंद अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें ली। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।